तू मेरा है जुनून, तू मेरी है दुआ, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा। बानो आंटी मैं जा रही हूँ, बहुत सारी दुआ कीजिएगा और हया का ख्याल रखिएगा प्लीज। तुम बेफिक्र होके जाओ, अल्लाह की निगरान, हया का ख्याल मैं करूँगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अरे बेटा, अंबर से कहो कभी हमारे साथ बैठ के भी नाश्ता कर लिया करे। जी बाबा, कह दूंगा। ये बातें कोई बताने की तो नहीं होती, उसे खुद समझना चाहिए। और नाश्ते की टेबल पर आती वो नौशीन भी तो है, इसको तो कभी नहीं कहना पड़ा। साले बेगम, अंबर की आदत कुछ मुख्तलिफ है, वो इसलिए कि उसने ज्यादा वक्त बाहर गुजारा है। बस कर दें आप, उसे यहाँ आए हुए काफी अरसा हो गया और हमारे साथ रहते हुए भी काफी टाइम हो गया, अब तो उसे हमारे तौर तरीके और आदाब सीख जाने चाहिए। बस कर दो साले, बस कर दो, अब तो तुम एक टिपिकल सास की तरह रिएक्ट कर रही हो। मामा, मुझे आपसे एक बात और करनी है। हाँ बोलो। आप प्लीज बच्चे के टॉपिक को अवॉइड करें, अंबर अभी माँ नहीं बनना चाहती। क्यों क्यों अवॉइड करूं मैं? अंबर को बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो माँ हूं ना तुम्हारी, मुझे तो अपने पोता पोती देखने। बेटा वो सब ठीक है मामा, लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊं कि... बस कर दो हारिब, मुझे कुछ नहीं सुनना समझना। लेकर आओगी, कहाँ है शहरयार? शहरयार, तुमने कहा था तुम उसे लेकर आओगी, बताओ कहाँ है? मुझे नहीं बताओ शहरयार, कहाँ है? आप कंट्रोल करें खुद को, मुझे नहीं पता। कोई है? कहा था तुम उसे लेकर आओगी? नहीं कहा था शहरयार, तुमने कहा था कि तुम उसे लेकर आओगी? नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तुमने कहा था ना तुम उसे लेकर आओगी? मैं तुम्हें शहरयार से मिलवा दूंगा। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं शहरयार से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। मैं आपको शहरयार से मिलवाऊंगा, प्लीज चलिए नर्सिंग को लेके चलो जल्दी। वाकई? हाँ मैं आपको मिलवा दूंगी, उसके पास नहीं। तो आपको आज रात चलते पहले दिन ही आपका पहला पेशेंट मिल गया। डॉक्टर रोहिल, मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैं आपको क्या बताऊं? वो बेचारी तो मैं आई नो हर, शी इज अलीना।
एक्चुअली इसका शौहर शादी के चंद दिनों बाद इसे छोड़कर किसी और मुल्क चला गया और फिर 7 साल तक उसने कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। फिर एक दिन इसे पता चला कि उसने वहाँ बाहर दूसरी शादी कर ली। बस तभी से अलीना डिप्रेशन का शिकार होके नीम पागल सी हो गई और तब से यहाँ एडमिटेड है। आपको पता है यहाँ बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके अपने घर वाले उन्हें यहाँ खुद छोड़कर चले जाते और फिर दोबारा मुड़ के भी नहीं देखते। लेकिन ऐसी हालत में हम मरीज की काउंसलिंग कैसे करेंगे? That's the point. यही तो चैलेंज है। देखिए हमारे यहाँ ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं जो उस स्टेज पर नहीं पहुंचे जहां पर लीना है, यानी वो डिप्रेशन का शिकार तो होते हैं लेकिन उनकी हालत अभी अब नॉर्मल नहीं हुई होती और यही हमारा काम कि हम उनको यहां से यूं वापिस भेजें कि वो इस एबनॉर्मैलिटी के स्टेज तक पहुंचे ही ना। आपके पास यहाँ हर तरह के केसेस आते हैं, मे बी ड्रग एडिक्ट्स या सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले पेशेंट्स भी आ सकते हैं और यही आपका चैलेंज है कि आप उनको किस तरह जिंदगी की तरफ वापस लौटने के लिए कन्विंस करते हैं। ये भी एक आर्ट है और आपको इसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। हाँ, अगर शुरू में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपनी डॉक्टर ज़ारा को याद करें कि उन्होंने आपको कैसे कन्विंस किया था जिंदगी की तरफ वापस आने के लिए। बस इसी तरह आपने ये चेन आगे बढ़ानी है। मान तुम ठीक हो? हाँ, वो हया कहाँ है? हया सो रही है। तुम्हें क्या हुआ? कैसा रहा आज का पहला दिन? ये बहुत अजीब सा दिन गुजरा। हर तरफ दुख, बेबसी और महरूमी की जीती जागती तस्वीरें आंटी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद पर जब्त किया लेकिन मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ बेटा। आंटी आपको पता है मुझे वहां हर लड़की में अपना आप नजर आ रहा था। हर कहानी अपनी कहानी लग रही थी। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बड़ी भी और आपका सहारा मिल गया लेकिन उन बेचारियों के पास तो कुछ भी नहीं है, किसी का सहारा नहीं है। ईमान ऐसा मत सोचो, तुम सबका अपना नसीब होता है। तुम्हारा पहला दिन था इसलिए तुम इतना परेशान होगी। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें आदत हो जाएगी इन सब की। और बेटा अगर खुद यूं टूट जाओगी तो उनको कैसे संभालोगी जिनके लिए तुम ये सब कर रही हो? कह रही है खुद को मजबूत बनाओ। मैं जरा हया को देख के आती हूँ।
ईमान अंबर, अंबर प्लीज उठो। क्या हुआ है आरिब? मुझे शदीद घबराहट हो रही है। क्या हो गया है आरिब? मैंने बहुत अजीब सा ख्वाब देखा है। प्लीज उठो। आरिब ग्रो अप, ख्वाब से डर गए हो। एक काम करो, आंखें बंद करके सो जाओ एंड लेट मी स्लीप। Yes. May I come in, sir? Yes, please. Assalamu alaikum, sir. Sir, मेरा नाम हारिब है और मैं इस यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट साइंसेज का स्टूडेंट हूँ। सर, मैंने आपका लेक्चर सुना है साउंड ऑफ साइलेंस। ओह यस, फरमाइए। सर, मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना था। आर यू फ्री? वेल, मेरी क्लास है अभी। एनी हो, आप बैठे। ओके सर, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं, बैठे प्लीज। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। जी तो बताइए, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर, सर मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक है, मैं लाइफ एंजॉय करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन किसी चीज़ से मुझे खुशी नहीं मिल रही। मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही। और क्या? और सर, मैं स्मोकिंग भी करने लगा हूँ, हालांकि मैंने जिंदगी में पहले कभी सिगरेट नहीं पिया। सिगरेट के अलावा कभी आपने कोई और चीज़ ट्राई की? आई मीन एनी काइंड ऑफ ड्रग्स? हारे, मुझे खुलकर बताएं, यहाँ होने वाली बात सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी इस कमरे तक, डोंट वरी। नहीं सर, अभी तक तो ड्रग्स नहीं ली, लेकिन डर है कि सर, आई थॉट आई शुड कंसल्ट यू। ये आपने बहुत अच्छा किया, और अभी भी आप खुद से काफी सिंसियर हैं जो आपने ये स्टेप लिया। आप फिक्र ना करें, आप हमारे अपने स्टूडेंट हैं, आप जब चाहे मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आने से पहले मुझसे एक बार टाइमिंग जरूर कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। थैंक यू सर। सर, मुझे आपसे बात करके काफी बेहतर फील हो रहा है। पहले भी आपका सेशन अटेंड किया था, काफी अच्छा लगा था। वैसे आपको वो सेशन रिकमेंड किसने किया था? सर, वो नोटिस बोर्ड पे पढ़ा था। ओके हारिब, अभी मेरी क्लास है, कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। और परेशान बिल्कुल नहीं होना, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। अंबर, कहाँ जा रही हो बेटा? कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। आंटी, आप जानती तो हैं,
पूरा दिन इतना बिजी गुजरता है, किसी चीज का टाइम नहीं मिलता। अपनों के लिए टाइम निकालना पड़ता है बेटा। ओके आंटी, आप मैं और नौशीन भाभी कहीं घूमने चलेंगे, आपका ये गिला भी दूर हो जाएगा। लेकिन अभी मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो मुझे निकलना होगा। हाँ, डॉक्टर के साथ? हाँ, स्किन ट्रीटमेंट के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना है। विल सी यू देन गाइस। हाँ, तो जमान की बेटी और हारिब ने शादी कर ली, ये तो अच्छी खबर है। और तुम उस लड़की का अभी तक पता नहीं लगा सके, नकम्मे। लगता है हारिब की बेवफाई के गम में कहीं मर खप गई है। मुझे बर्बाद करने की बातें करती थी, लेकिन वो है कहां? मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मुझे उसके बारे में कोई बुरी खबर ना मिल जाए। मुझे माफ कर देना, मैंने वाकई तुम्हारे और ईमान के साथ बहुत ज्यादती की है, मुझे माफ कर देना। मैं कभी अपनी और तुम्हारी औलाद के साथ इंसाफ न कर सका, उसे उसे घर से निकाल दिया, ना जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे ना मिली। अक्सर तुम्हारी कब्र पर यही सोच के आता हूं, शायद यही मिल जाए। अगर ईमान नहीं मिलती मुझे, मगर वो मुझे नहीं मिलती। लगता है कि ऊपर वाले ने अब उसे मेरे साये से भी दूर रखने का फैसला कर लिया है। काश मेरी ईमान मुझे एक बार मिल जाए, मेरी बेचैन रूह को सुकून आ जाएगा। काश काश